जय हिंद साथियों, आज हम बताएंगे कि वास्को दिगामा कौन था। इससे पहले मैंने क्वेश्चन किया था सोशल मीडिया पे, तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि वास्को दिगामा भारत की खोज में 1498 में आया था, लेकिन नहीं था दोस्तों। वास्को दिगामा एक लुटेरा था जिन्होंने 1498 में भारत आया था अपनी व्यापार बढ़ाने के लिए, और व्यापार के नाम पर उन्होंने भारत को लूटने का प्रयास किया। भारत की आस्थाओं, भारत की संस्कृति और भारत की भावनाओं को चोट किया, और उन्होंने पहला व्यक्ति था जो समुद्र के रास्ते विदेश से भारत आया था, और उसका एक ही मकसद था भारत को लूटना, देश को लूट के अपने देश ले जाना, अपने भारत को लूट के वो अपने देश ले जाना चाहता था, और वैसा ही हुआ। एक आया पहले, उसके बाद ढेरों आए, ढेरों लुटेरे आए, और भारत पहले हमारा देश सोने का चिड़िया हुआ करता था, उन लोगों को नहीं देखा गया और उन्होंने कब्जा कर लिया और भारत को लूटने का प्रयास किया, भारत की संस्कृति को ध्वंस करने का प्रयास किया, भारत की अस्मिताओं पर आघात करने का प्रयास किया, और बहुत सारे लुटेरे बाद में आए। और हम यही कहना चाहते हैं कि पुर्तगाल के समय में वो लुटेरे आए थे और भारत को ही लूटने के लिए आए थे। तो आप लोग को मेरा विचार कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद।